जिला प्रशासन सोमवार को डाक बंगले के समीप हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा। इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रशासन पर पत्थरबाजी की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई। देखिए हमारी यह पूरी खबर। नीमच शहर के डाक बंगले के समीप सोमवार को जिला प्रशासन दलबल के साथ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंचा, जहां अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रशासन पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद पुलिस जवानों ने भी डंडे बरसाना शुरू किए। पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर शहर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर आज पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जहां मुस्लिम समाजजनों ने डाक बंगले के समीप हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के दल पर अचानक अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पत्थर और ईंटे बरसाना शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी पत्थरबाजी करने वालों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए लठ बरसाना शुरू किए। इसके बाद प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ता प्रशासन से अभद्रता करते भी दिखाई दिए, जिस पर एसडीएम ममता खेड़े ने कहा कि प्रशासन उन सभी लोगों पर अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। वहीं कई कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अतिक्रमण को रोकने को लेकर प्रशासन से बातचीत की, जिस पर एसडीएम ममता खेड़े ने कांग्रेस नेताओं को अपनी जमीन में से इनको जमीन देने की बात कही और कहा कि यह हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, यह नियम अनुसार किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकती है। घर बनवा दीजिए, आपका फ्लैट होगा, आपका खेत होगा, दुकान में घर बनवा दीजिए। करीब 2-3 घंटे चली कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकर्ताओं और जिला प्रशासन के बीच समन्वय करते हुए 3 दिन का समय मकानों को खाली करने के लिए दिया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम ममता खेड़े, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल, तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साठे, नीमच सिटी थाना प्रभारी कर्णी सिंह सप्तावत, केंट थाना प्रभारी अजय सारवान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और 81 सन का पोजीशन है, इसके बाद काफी सारे अवैध निर्माण हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने जमीन को कब्जे में कर रखा है, क्योंकि इनको पहले से लंबे समय से ये अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस वगैरह दिए जाते रहे हैं, इसी के लिए आए थे। और इसके बाद जो है इन लोगों ने अभी प्रशासन से 3 दिन का समय मांगा है, ये स्वयं में हटाएंगे और यदि ये 3 दिन में नहीं हटाते तो फिर प्रशासन पूरे सामर्थ्य के साथ आके फिर इनको। मैडम, सुनवाई के दौरान कोई पथराव वगैरह भी हुआ था, क्या स्थिति बनी? वो तो आप लोगों ने देखा ही है, पथराव हुआ है, अभद्रता हुई है, जो भी हुआ है वो तो सब। इनको पहले नोटिस दिया गया था? मैडम, डेफिनेटली दिया हुआ है नोटिस, इनको अक्टूबर माह में दिया गया था लास्ट नोटिस, इससे पहले कई बार नोटिस। मैडम, प्रशासन की कार्रवाई में जो पथराव करके इन्होंने जो बाधा डाली उस पर कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होगी कुछ? भाई कानून तो हमेशा अपना काम करता रहता है, करेगा। विस्थापन को लेकर क्या प्रोसेस रहेगी इनकी, गरीब लोग अगर कोई? देखिए ये मेरा विषय नहीं है, नगर पालिका का विषय है, विस्थापन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि गृह निर्माण मंडल की भूमि है। तो जगह कई जगह इनको वो नगर पालिका से जो प्रार्थी है खुद चर्चा करें तो फिर